Assalamu alaikum to my all students. I hope you all are fine. Today we are doing day 71 and our hash is 82. आज का जो हमारा डे है वो 71 है और हमारा हैश जो है वो 82. 82 हैश में जो हम करेंगे डू एक्सरसाइज एफ हम पेज नंबर 67 पिक्चर डिस्क्रिप्शन पेज पिक्चर कॉपी वर्क ओपन योर बुक्स. पहले मैं आपको बता रही हूँ कि एक्सरसाइज एफ जो है वो कौन सी और आपको कॉपी में कैसे काम करना है. ठीक है, सो सबसे पहले जो है आप अपनी जो है बुक ओपन करें. ठीक है, ये देखें पेज नंबर 67 और जो हमारी एक्सरसाइज एफ है वो ये है. ठीक है, फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चंस. आपको जो है इस क्वेश्चंस के जो है आपको आंसर देने इस पिक्चर को देखते हुए. वेयर आर द एलिफेंट्स, व्हाट आर द एलिफेंट डूइंग, व्हाई आर दे हैविंग अ बाथ, हु इज लुकिंग एट द एलिफेंट, हाउ मैनी एलिफेंट्स आर देयर. राइट, आपको इस पिक्चर को देखते हुए इस क्वेश्चंस के आंसर देने और ये आपको आंसर देने एक्सरसाइज ई जो हमारे पास ये है ना, यहाँ से आप इसके आंसर फाइंड आउट करेंगे. कॉपी के अंदर आपको इसकी पिक्चर जो ना पेस्ट करनी, आप चाहे ड्रॉ करना चाहें तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, अगर आपसे बनती है तो आप बना लें तो भी अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आप क्या करेंगे इसकी आप फोटो कापी करवा के आप पेस्ट भी कर सकते हैं, फिर उस पर कलर वगैरह भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं. ठीक है, अब ये देखें आपको जो क्लास में मतलब कॉपी वर्क करना है ना वो ये देखें मंडे लिखेंगे, आपका डेट जो जा रहा है वो यूनिट फोर लिखेंगे और डेट लिखेंगे. इसके बाद ब्लू कलर से आप एक्सरसाइज एफ की हेडिंग डालेंगे पेज नंबर 67. देन आप क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज ई. जो आपके पास एक्सरसाइज ई आ रही है ना उसके आंसर उसमें से आपको आंसर मिल जाएंगे. ठीक है, वेयर आर द एलिफेंट्स, दे आर इन द वाटर, व्हाट आर द एलिफेंट्स डूइंग, एलिफेंट क्या कर रहे थे, दे आर हैविंग अ बाथ, what are they having a bath, they are having a bath sorry why are they having a bath they are having a bath because they are hot, who is looking at the elephants, Fizza is looking at the elephants, how many elephants are there are two elephants in the zoo. ये क्वेश्चंस के आंसर आपके पास पिक्चर तो होगी लेकिन अगर आप इसके आंसर ढूंढना चाहेंगे ना तो आपके पास एक्सरसाइज ई में कुछ ब्लैंक्स आ रही हैं उसके अंदर उसके आंसर मौजूद है, उसके बाद उसमें से क्वेश्चंस बनाए गए हैं तो आपको एक्सरसाइज ई में से ही उसके आंसर जो है मिल जाएंगे. ठीक है, उसके बाद हम करेंगे डू एक्सरसाइज जी पेज नंबर 67 बुक वर्क. उसके बाद उसी पेज नंबर पर 67 पर आपके पास एक्सरसाइज जी आ रही है जो कि आपको बुक में ही करनी है. ठीक है, यह है एक्सरसाइज डी, पुट कॉमास इन द लिस्ट. आपको जो है कॉमा पुट करना है. ठीक है, मैंने आपको कॉमा की एग्जांपल बताई थी और कॉमा के बारे में बताया था कि कॉमा जो एक से ज़्यादा चीज़ें होती है उसके लिए हम जो है कॉमा यूजेबल करते हैं जहाँ पर नाउन ज़्यादा यूज़ हो रहा हो. ठीक है, द एलिफेंट लाइक्स बनाना लीव्स मैंगोज ऑरेंज पिनट बीन्स एंड स्वीट्स. यानी कि जो एलिफेंट है उसको बनाना भी पसंद है, लीव्स भी पसंद है, मैंगोज भी पसंद है, ऑरेंज भी, पिनट्स भी, बीन्स भी और स्वीट्स भी. तो आप कॉमा कहाँ का लगाएंगे, द एलिफेंट्स लाइक बनाना यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे. ठीक है, देन आप लगाएंगे लीव्स के बराबर में यहाँ पर. ठीक है, देन मैंगोज के पास, देन ऑरेंजेस, देन पिनट्स, बीन्स एंड स्वीट्स. एंड से पहले जो हम नहीं लगाते, हमने लास्ट जो एक्सरसाइज की थी उसमें बताया था ना मैंने आपको कि एंड से पहले जो आएगा उसमें आप ना नहीं लगाएंगे कॉमा. ठीक है, सो ये हमारा क्लास वर्क है, ये आप बुक में करेंगे और ये वाला काम आपका कॉपी में. ठीक है, और इसकी भी अगर आपको पिक्चर बनाने आती है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप फोटो कापी भी करवा सकते हैं जो आपके लिए ईजीएस्ट हो. ठीक है, उसके बाद आपको आपका मैं होमवर्क बता रही हूँ. आपके होमवर्क में ये आ रहा है कि आपको एक्सरसाइज एफ और जी की जो है प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये तो आप जो है प्रैक्टिस करेंगे ना एफ और जी की, उसके साथ साथ आप जो पाँच टेंस है ना मैंने आपको एक्सप्लेन करवाया था और हमारे पास पेज नंबर 50 पर भी जो उसकी एक्सरसाइज गई है मैं आपको बताती हूँ एक मिनट. अच्छा पेज नंबर 50 पर आपके पास जो पास्ट टेंस वाली एग्जांपल मैंने आपको बताई थी ना, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना होगा. ठीक है, तो आपको इन्हें जो है प्रेजेंट टेंस तो बहुत अच्छे से समझा दिया है और प्रेजेंट कंटिन्यूस भी आई थिंक आप सबको समझ में आ गया है, लेकिन अब आ जाते हैं पास्ट टेंस पर. आप एक्सरसाइज एफ और जी के साथ जो है पास्ट टेंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि आपके पास मैं अगर आपको प्रेजेंट टेंस दूंगी तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं पास्ट टेंस में. तो आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी मैंने कहा था याद करने के लिए, उसके साथ आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, ताकि आपके पास इसकी प्रैक्टिस हो, जब मैं आपका इसका भी टेस्ट लूँ तो आपके पास ये मौजूद हो और आप याद कर मतलब टेस्ट दे सकें. ठीक है, तो आपके जो हैश में ये काम जा नहीं रहे लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इसकी भी प्रैक्टिस अपनी रखनी है. ठीक है,
ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.